अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज आपके साथ अपना एक्वेरियम शेयर कर रही हूँ। मैंने कहा चलें आपको बताऊँ कि मेरे पास कौन सी फिशेज़ हैं। कोई फिश है, गोल्ड फिश है, और गप्पीज़ हैं, टेट्रा है, और इनको मैं किस तरह से अपनी गार्डनिंग में भी यूज़ करती हूँ। फिशेस से गार्डनिंग में कोई काम नहीं करवाती मैं, लेकिन इनसे मुझे मेरी गार्डनिंग में हेल्प मिलती है। वो हेल्प किस तरह से मिलती है? वो इस तरह से मिलती है कि ये फिशेस मुझे मेरे प्लांट्स के लिए फर्टिलाइज़र देती हैं। तो फर्टिलाइज़र किस तरह से देती हैं? इसका फर्टिलाइज़र बिल्कुल उसी तरह से देती हैं जैसे काम करते हैं हमारे लिए बोन मील और फिश वेस्ट। हम फिश मील वगैरह ख़रीदते हैं हम बाज़ार से अपने प्लांट्स को बूस्ट करने के लिए, बिल्कुल उसी तरह से इससे भी हमें फर्टिलाइज़र मिलता है, इसके पानी से। जी, तो जिनके पास एक्वेरियम है उनको पता होगा कि हम लोग एक्वेरियम का वीकली कुछ लोग पानी चेंज करते हैं, कुछ 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, मंथ बाद इस तरह यूज़ करते हैं। तो उस पानी को हम किस तरह से अपनी गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं कि हमारे प्लांट्स उससे बूस्ट हों, हमारी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग अच्छी हो, और ये कि पानी भी हमारा जो है वो बच जाता है, रिसाइकल हो जाता है हमारा पानी। क्योंकि आजकल पानी का वैसे ही इतना ज़्यादा इशू है और हमें पानी को वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। तो जो हम पानी इसका इतना ज़्यादा पानी वेस्ट करते हैं वीकली बेस पे या मंथली, तो उसको हम किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, डबल बेनिफिट्स ले सकते हैं। इस तरह से कर सकते हैं कि मैं वीकली पानी चेंज करती हूँ तो 20%, 50% या 30% पानी कितना मटमैला है उस हिसाब से चेंज कर देती हूँ। तो अगर आप भी 20% या 20-30% 50% करते हैं तो आप अपने प्लांट्स को सिंपल मतलब एज इट निकाल के दे सकते हैं, क्योंकि वो एक वीक के अंदर इतना ज़्यादा गंदा नहीं हुआ होता पानी। तो आप अपने एक्वेरियम से निकालें, किसी बकेट में या टब में भरें और अपने प्लांट्स को दे दें। और अगर आप इसको 15 दिन बाद या महीने बाद आप चेंज करते हैं तो फिर ज़ाहिर है उस हिसाब से पानी ज़्यादा मैला हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो फिर आपने इसको अपने प्लांट्स में डायरेक्ट नहीं देना। उस टाइम पे आपने इसको अगर 50% आपने पानी इसका लिया है एक्वेरियम का, तो 50% आपने अपना सिंपल वाटर उसमें मिक्स करना है और अपने प्लांट को देना है। तो इससे क्या होता है कि आपकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है। और फिर ये कर सकते हैं आप दूसरी बात कि हम किन प्लांट्स को अपने दे सकते हैं, मतलब लीफी प्लांट्स को दे सकते हैं या नहीं दे सकते या इस तरह से। तो बिल्कुल हम बिल्कुल अपने इसको लीफी प्लांट्स को, मनी प्लांट हो गया या अपने पाम्स हो गए, उन सबको दे सकते हैं। लेकिन मैं इसको ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ अपने फ्रूटिंग और फ्लावरिंग वाले प्लांट्स में। तो आप इस तरह से इसकी पानी की बचत करें, अपनी रिसाइकलिंग करें, और ये हो जाएगा कि हमारा एनवायरनमेंट फ्री चीज़ है कि हम इतना ज़्यादा पानी वेस्ट करते हैं और उसमें इतना अच्छा फर्टिलाइज़र होता है तो हम क्यों इसको वेस्ट करें। और एक और टिप है कि जब हम बाज़ार से फ़िश लेके आते हैं कुक करने के लिए, तो उसको भी पानी को आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें सॉल्ट नहीं लगा होना चाहिए। वो जो अजवाइन और सॉल्ट वगैरह लगा के फ़िश वाले हमें देते हैं, अगर वो नहीं आप लगवाते, घर ला के ख़ुद से उसको लगाते हैं, मैरिनेशन वगैरह करते हैं, तो उसके जो धोते वक्त पानी होता है उसका, वो भी आप अपने प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। तो ये टिप्स बैठे मुझे अपनी फ़िशेस को देखते हुए मेरे जहन में आया कि क्यों ना मैं ये जो अपना ट्रिक है ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो फिर आप लोग शेयर कीजिएगा अपना जो एक्सपीरियंस है कि आप लोगों को कैसा रिज़ल्ट मिला। उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।